हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है नेस्ट 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट कुछ इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए एनालिसिस किया है, जिसमें पीएनसी के 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 to 2, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, आप ये चीज़ देख लें। और ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ईजी रहेंगे आपके लिए अटेम्प्ट करने में, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी चीज़ें नहीं आती है। हाँ, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर नजर आ सकता है, लेकिन अगर आप उसको समझ के देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज दे विल बी नथिंग न्यू, एंड हैंडलिंग प्रोसेस में भी आपको कुछ भी नया सा नहीं लगेगा। तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। वो फियर बिल्कुल अंदर से रिमूव कर दें कि जो किया है एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, उस तरह की चीजें नहीं आएंगी और रेयर ही होगा कोई क्वेश्चन। सब कुछ थोड़ा सा देखने में डिफरेंट होंगे, लेकिन जो आपने किया है वही चीजें होंगी करने में, ठीक है। एंड एओडी, डीआई एंड डिटरमिनेंट मैट्रिसेस द क्वेश्चंस, तो बच्चे किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह के आ सकते हैं, किसी भी लेवल के आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, ये नहीं कि सभी के सभी डिफिकल्ट होते हैं, हार्डली 1-2 कहीं बीच में आ सकते हैं जिनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़े, बट अदरवाइज रेस्ट विल बी ईजी, ठीक है। तो इन्हें ऐसे मार्क ना करें, ऐसे कोई भी लेबलिंग ना करें कि ये डिफिकल्टी होंगे, नहीं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए मार्क करके बताया है कि इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप एंड में करें और आप उन्हें पढ़ें, देखें। बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, क्योंकि मैंने बोला 2 to 3 क्वेश्चन एओडी के हैं, डीआई 1 to 2, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 1 to 2। इन सभी को मिला के हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत पड़ सकती है, बट रेस्ट विल बी इजी, ठीक है। सो फील वेरी रिलैक्स्ड, आपका पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। एंड इनफैक्ट इस ईयर तो सिलेबस भी और थोड़ा सा डाइल्यूट ही हो गया है, तो क्वेश्चन के लेवल्स जो प्रीवियस ईयर के लेवल था उस लेवल तक भी हो सकता है ना पहुंचे। तो फील कंफर्टेबल बेटा, एंड फील वेरी कॉन्फिडेंट। जो आपने मेहनत किया है उस मेहनत का अगर आपको रिजल्ट लाना है तो यहाँ पे कामनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपका रिजल्ट दिलाएगा। और यहीं पर अगर टर्बुलेंस रहा बच्चा, परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा? तो इसे मेंटेन करके चलें तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।